हाय फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तीन ऐसे मेथड जिनसे आप अपने हाथों को, पैरों को, फुल बॉडी को क्लीन कर सकते हैं, यानी कि मैनिक्योर, पेडिक्योर, बॉडी पॉलिशिंग सब आप घर पे कर सकते हैं, वो भी एकदम बजट में। क्योंकि जैसे ही हम अपने बारे में थोड़ा सा सोचते हैं ना, मोस्ट ऑफ द जैसे हाउसवाइफ होती है ना, वो अपने बारे में थोड़ा सा भी सोचती है तो उनके दिमाग में आता है कि 4-5 हजार रुपए चले जाएंगे, मैं इससे कुछ और कर लूंगी। जी हाँ, बिल्कुल राइट, आप एकदम सही है। आप अपने 4-5 हजार रुपए बचाइए, उनसे कुछ और कीजिएगा। और जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो होम रेमेडीज को आप यूज कीजिएगा, आपके हाथ, पैर, बॉडी एकदम जैसे आप सैलून से आने के बाद फील करते हैं वैसा ही फील करेंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो को आगे, बट उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इसका फायदा मिले। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे फर्स्ट रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज़ किया है 1 बड़ा चम्मच बेसन का, आधा मैंने यहाँ पे लेमन लिया है। ये क्वांटिटी मैं सिर्फ हाथों के लिए बना रही हूँ, आप फुल बॉडी के लिए बनाएंगे तो क्वांटिटी अपने हिसाब से ज़्यादा या कम कर लेना। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1/2 चम्मच वाइल्ड टर्मरिक और 1 मैंने यहाँ पर लिया है शैम्पू। 1 से 1.5 जो चम्मच होती है, बड़ा चम्मच, वो मैंने यहाँ पर यूज़ किया था दही का। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके का ये पेस्ट कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल इसी तरीके का चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। इसे अप्लाई करना, अराउंड 5 से 7 मिनट छोड़ना, उसके बाद 3 से 4 मिनट इसे स्क्रब करना और रिमूव करना। अब बढ़ते हैं दूसरी रेमेडी की तरफ, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है 1 बड़ा चम्मच कॉफ़ी का। सेम बड़ा चम्मच ही मैंने यूज़ किया है वाइट शुगर, जो हमारे घर में नॉर्मल यूज़ होती है, जी बिल्कुल वही। और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है कोकोनट ऑयल। और अब इसमें मैंने मिक्स किया है सेम शैम्पू। शैम्पू हम तीनों रेमेडी में यूज़ करने वाले हैं, तो शैम्पू आज का हीरो होने वाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके की ये पेस्ट पे कन्वर्ट हो जाएगी। सेम उसी प्रोसेस की तरह 5 से 7 मिनट अप्लाई करना, उसके बाद में रब करके उतार लेना, ठंडे पानी के साथ वॉश कर लेना या फिर नहा लेना। नहाने के टाइम पे ये सब करो ना, अच्छा होता है। उसके बाद में आपको लेना है थर्ड रेमेडी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा, 1/2 चम्मच मैंने यहाँ पर टर्मरिक ली है, सेम शैम्पू मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच, और इसमें मैंने मिक्स करने के लिए यूज़ किया था दही 1 से 1.5 चम्मच अराउंड, जितने में ये अच्छे पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन सब चीज़ों को आपको मिक्स कर लेना है। कुछ इस तरीके का ये मिश्रण तैयार हो गया है, इसे भी सेम अप्लाई करना। इसमें कुछ जैसे शैम्पू है, आप शैम्पू को अवॉइड करके फेस पे भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट कैसा आएगा आपको खुद पता। सो गाइज, जैसे आपने देखा, इस तरीके से आप अपने हाथों को, पैरों को, फुल बॉडी को, जैसे मैंने बताया, क्लीन कर सकते हैं, वो भी अपने घर में रह के। क्योंकि हर किसी के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो पार्लर जाके इतने महंगे महंगे प्रोसेस करा पाए, लेकिन घर में हर चीज अवेलेबल होती है, तो हमें अपना थोड़ा सा पैम्पर करने का टाइम मिल जाता है, थोड़ा सा अपना ध्यान रखने का टाइम मिल जाता है। मेरा मेन मोटिव वही होता है कि मैं अंडर बजट रह के सारी चीजों को सोल्व करने की कोशिश करूं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। मिलेगी किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। बाय बाय।